रिव्यू करने वाली हूँ जी हमारे बहुत ही वायरल प्रोडक्ट ग्लूपाटोन का, और देखेंगे कि क्या वाकई इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं जैसा कि वीडियोस में दिखाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की बहुत सारी भरपूर रिक्वेस्ट पर रिव्यू करने वाली हूँ ग्लूपाटोन के इस व्हाइटनिंग एमल्शन का, जो कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को मैंने काफी देर पहले मंगवा लिया था, बट मैं इसको टेस्ट कर रही थी ताकि मैं आप लोगों के साथ जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर सकूं। तो आप लोगों ने स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आप लोग अच्छे से देख सको कि क्या ये वाकई वर्थ बाइंग है या नहीं। एक हमारे पास ये वाला ग्लूपाटोन का पाउच है और उसके साथ दो ये होमियो क्योर की व्हाइटनिंग क्रीम्स हैं जो आपको पूरे पैकेज में मिल रही हैं। और मैं इस पैकेज को, मतलब इस पाउच को, इस क्रीम के अलावा और क्रीम्स के साथ भी टेस्ट कर चुकी हूँ पिछले 15 दिन में, और अदर चीजों के साथ भी टेस्ट कर चुकी हूँ ताकि मैं पर्सनली खुद ऑब्जर्व कर सकूं कि क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ इसी क्रीम के साथ वर्क करता है या आप इसको किसी चीज के साथ भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये एक व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट है, ठीक है, और ये अकेला भी वर्क नहीं करता। ये प्रोडक्ट का टेक्सचर है सेम लाइक क्रीम, सो इसके साथ अब हम लोगों ने जो है ना वो मसाज करना है ताकि आप लोग देख सको। जैसा कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को एक चाइनीज वीडियो दिखाई थी जिसमें वो लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा विजिबल डिफरेंस दिखाया जिसको देखकर लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर परचेज कर लेते हैं, लेकिन फिर जब उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता फिर वो मायूस हो जाते हैं और फिर पता नहीं अजीब अजीब बातें आती हैं, फिर अच्छी प्रोडक्ट्स पे भी यकीन नहीं आता। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो अकेला यूज करें तो ये क्या रिजल्ट देता है आपको, और अगर आप इसको प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके यूज करते हो देन ये आपको क्या रिजल्ट देता है। तकरीबन 5 मिनट मैं इसके साथ मसाज करूंगी, देन मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट जो है ना वो चेक कराऊंगी। अब मैं इसको साफ करती हूँ एंड देन आप लोगों को दिखाती हूँ रिजल्ट दूसरे हाथ से कंपेयर करके, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। ये मेरा वो हाथ है जिसपे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल है, और इस हाथ के ऊपर मैं तकरीबन 5 मिनट रगड़ा रगड़ी करती रही हूँ व्हाइटनिंग इमल्शन के साथ। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को कोई डिफरेंस नजर आ रहा है मेरे इन दोनों हाथों के अंदर, मतलब क्या आपको ये गलतफहमी हुई है कि मेरा ये वाला हाथ ज्यादा गोरा लग रहा है इससे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि सिंपल अगर आप ग्लूपाटोन को डायरेक्ट यूज करते हो तो ये आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देता, बिकॉज ये एक व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट है और ये जस्ट किसी प्रोडक्ट में मिक्स होकर उसकी व्हाइटनिंग पावर को ज्यादा करता है। ठीक है, इस क्रीम की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी पैकेजिंग है पूरी। इस क्रीम के बैक साइड पर इसकी प्राइस लिखी हुई है 415 रुपए, मतलब 415 रुपए की एक क्रीम है ये, और इस पूरे पाउच के साथ दो क्रीम्स यूज होनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 दिन में आपको ये जो है ना विजिबल डिफरेंस और एक जबरदस्त सा रिजल्ट आपको 2 दिन में दे देगी ये। तो 2 दिन में अगर ये क्रीम आपको इतना अच्छा और इतना जबरदस्त रिजल्ट दे रही है तो क्या जरूरत है आपको और ज्यादा व्हाइटनिंग पावर इसके अंदर डालने की कि ये आपकी स्किन ही सड़ा दे पकड़ के। मेरे पास एक क्रीम है ये वाली नाज व्हाइटनिंग क्रीम, जो कि मैं अक्सर पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं पर्सनली खुद नाज क्रीम यूज करती हूँ। इस क्रीम की प्राइस है 330 रुपए, ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है इसकी प्राइस 330 रुपए। 330 रुपए वाली ये क्रीम और 415 रुपए वाली ये क्रीम, इन दोनों के मिक्सर्स को मैं जब यूज करके इनके रिजल्ट्स देखे तो मुझे कोई 19-20 का भी फर्क नहीं मिला। एक जितना साइज है दोनों का, विड्थ भी एक जितनी है, मतलब सब कुछ सेम टू सेम है। आप इसको किसी व्हाइटनिंग क्रीम में मिक्स करके बना रहे हो तो आपने जो ग्लूपाटोन की क्वांटिटी है वो क्रीम से थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। मतलब ये कि अगर आप 50 ml क्रीम यूज कर रहे हो तो आपने 60 या 65 ml ग्लूपाटोन ऐड करना है, और अगर आप इसको किसी मसाज क्रीम में या किसी हैंड क्रीम में, इस तरह से किसी प्रोडक्ट में आप यूज कर रहे हो या किसी ब्लीच वगैरह में, फिर आपने जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब 15% या 20% क्वांटिटी जो है ना वो आपने ग्लूपाटोन की ऐड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ये होमियो क्योर क्रीम जो मुझे इस पैक के साथ मिली है वो मैं लेने वाली हूँ ताकि मैं आप लोगों को इसका मिक्सचर बना के दिखा सकूं। तो आपने क्या करना है, आपने इस क्रीम को किसी बाउल के अंदर निकाल लेना है, तो मैंने यहाँ पर शीशे का बाउल लिया ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ सके। इसको आपने अच्छे से सारी क्रीम को बाउल के अंदर निकालना है। मैंने सारी क्रीम को निकाल के इस बाउल के अंदर डाल लिया है। अभी जी ये ग्लूपाटोन का तकरीबन हाफ पाउच मैं जो है ना इसके अंदर डालने वाली हूँ। क्रीम की क्वांटिटी आप देख लो, ठीक है, मतलब अंदाजे से आप देख लेना कि जितनी आपकी क्रीम की क्वांटिटी है उससे थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी आपने जो है ना वो
ग्लूपाटोन की ऐड करनी है इसके अंदर। अभी जी यहाँ पर आपको इन दोनों मिक्सचर्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मतलब इतने अच्छे से मिक्स करना है कि आपको पता ही ना चले कि आपकी क्रीम किधर गई और आपका जो ग्लूपाटोन है वो किधर गया। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि किसी भी चीज के साथ मिक्स करके ग्लूपाटोन को यूज कर लो, लेकिन व्हाइटनिंग क्रीम में इसको मिक्स करके मत यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो 100% वो जल जाएगी। क्योंकि आपको पता है व्हाइटनिंग क्रीम्स के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि आपने अपनी स्किन को व्हाइटनिंग क्रीम का आदि नहीं बनाना। अगर आपको लग रहा है स्किन आपकी डल हो रही है तो व्हाइटनिंग क्रीम यूज करो, लेकिन रोजाना नहीं, मतलब आप 2-3 दिन लगाओ, फिर उसके बाद 1-2 दिन छोड़ दो, फिर 2-3 दिन लगाओ, फिर 1-2 दिन छोड़ दो, और जब आपको लगने लगे कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन पहले से बेहतर हो गया है, फिर आपने थोड़ा स्पेस ज्यादा देना है, मतलब 1 दिन लगा लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन लगा लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया। इससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी और आपका कॉम्प्लेक्शन भी बैलेंस रहेगा। ठीक है, अगर हाथ से मिक्स नहीं हो रहा तो बेशक आप इसके ऊपर बीटर यूज कर लो, इलेक्ट्रिक बीटर होता है ना, उसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है ये। तो अच्छे से इसको तकरीबन 5-10 मिनट लगा के आपको ब्लेंड करना है। अच्छा, अभी क्रीम बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, एज यू कैन सी। अब क्या करना है, इस क्रीम को उठा के और वापस डिब्बी के अंदर फिल कर देना है, बिकॉज आपको इसको बंद करके रखना है। सो यहाँ पर मैंने इसको उसी डिब्बी के अंदर जिसमें से मैंने क्रीम निकाली थी अच्छे से फिल करके रख लिया है। अब बस इसको आपने रात को सोते हुए फेस पे तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, नेक पे, अगर आपके नेक का कलर डार्क है फेस से, या फिर अगर आपके हाथ पांव खराब हो रहे हैं, पाओ का कलर अनइवन हो गया, हाथों का कलर अनइवन हो गया, या बॉडी का कोई पार्ट आपको लग रहा है कि उकाल से बाहर है, तो आप वहां पे इस व्हाइटनिंग क्रीम को जो है ना वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेडी टू यूज है। अच्छा, क्लींजर्स और फेस वॉश वगैरह तो सबके पास ही घरों में अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपका वो क्लींजर या आपका वो फेस वॉश ही आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट दे, तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी जो रेगुलर यूज के लिए आप लेते हो उसका बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन आपने उसके अंदर ग्लूपाटोन का ऐड करना है। इस मिक्सर को आपने बहुत अच्छे से आपस में मिक्स आउट करना है, देन आपने उस मिक्सर के साथ डेली रूटीन में अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश करना है। इससे क्या होगा कि आपका वही क्लींजर जो कि पहले जस्ट आपके फेस को क्लीन करता था, अब वो आपके फेस को व्हाइटनिंग इफेक्ट भी देगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है ग्लूपाटोन का। अच्छा, स्किन पॉलिशर के साथ भी आप इस मिक्सचर को बना सकते हो, वो कैसे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, स्किन पॉलिशर कोई भी आप ले लो, बेशक आप वो जो लोकल साशे वाली स्किन पॉलिश होती है ना, जो आपको नॉर्मल चीज वाली शॉप से मिल जाती है, आप वो भी यूज कर सकते हो। आपने प्रॉपर मिक्सर वैसे ही बनाना है जैसे आप बनाते हो, बस आपने उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी ग्लूपाटोन की ऐड कर देनी है और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स आउट हो जाएं, फिर आपने उस मिक्सर को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो स्किन पॉलिशर जस्ट आपके फेस पे जो बाल होते हैं, जो रुआ होता है, उसको थोड़ा सा लाइट कर देता है और आपकी स्किन से डस्ट को क्लीन कर देता है, लेकिन जब आप ग्लूपाटोन इसके अंदर ऐड करोगे तो ये आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट भी देगा, साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके फेशियल की मसाज क्रीम्स होती हैं ना, जैसे स्क्रब हो गया, मसाज क्रीम हो गई, मास्क हो गया, मतलब कोई भी मसाज वाला स्टेप जो है ना, आप उसके अंदर भी ग्लूपाटोन को ऐड करके जो है ना उसकी व्हाइटनिंग पावर को ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि भाई यहाँ पर मेरी अपनी ब्रांड का जो गोल्ड फेशियल है उसकी मसाज क्रीम ली है मैंने, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पोर्शन ग्लूपाटोन का ऐड किया है। अब इन दोनों मिक्सचर्स को हाथ के ऊपर ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस मिक्सर के साथ आपने अपने फेस के ऊपर मसाज करना है। इससे क्या होगा कि जितना रिजल्ट आपको ऑलरेडी आपकी मसाज क्रीम दे रही है उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है ना वो आपको मिलेगा ग्लूपाटोन को ऐड करने के बाद। तो मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी लोकल फेशियल या कोई भी प्रोडक्ट आपके पास घर में पड़ी हुई है स्किन के लिए, मतलब कोई क्लींजर है, कोई फेस वॉश है, कोई क्रीम है, कोई हैंड क्रीम है, कोई फुट क्रीम है, कुछ भी है, आप उसके अंदर ग्लूपाटोन को ऐड करके उसको एज अ व्हाइटनिंग पर्पज़ जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो मास्क है, राइस मास्क है ये, जिसको आप लोग यूज़ करते हो, इसके अंदर आप रोज़ वाटर या पानी या दही ऐड करके इसका मिक्सर बना के सो इसको फेस के ऊपर अप्लाई करते हो। आप इस मास्क के अंदर भी ग्लूपाटोन को ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, ये मास्क जो है ना बेसिकली एज अ स्क्रबर होता है, मतलब ये आप लगा के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद आप 5-10 मिनट के बाद जो है ना इसका मसाज करके और इसको वॉश कर दो, तो ये डेड स्किन को भी रिमूव करता है, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, टैनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इसके अंदर ग्लूपाटोन ऐड कर दोगे तो ये आपको साथ ही साथ व्हाइटनिंग भी देगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक मॉइस्चराइजर है जो कि फेस के लिए बहुत अच्छा है, वटा वाइटामिन का। आप इस मॉइस्चराइजर के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी वटा वाइटामिन की ऐड करके जो है ना इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप मॉइस्चराइजर डेली रूटीन में यूज़ करते हो, जैसा कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में आप मॉइस्चराइजर हर टाइम लगा के रखोगे ऑब्वियसली, तो अगर आप इस मॉइस्चराइजर के अंदर हल्का सा ग्लूपाटोन ऐड करके एंड देन इस मॉइस्चराइजर को यूज़ करोगे तो ये आपको साथ ही साथ एज अ व्हाइटनिंग क्रीम भी काम देगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है,
इसी को आप जो है ना अपने हाथों पे अपने पाँव पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइजर पड़ा हुआ है जो कि आप नॉर्मली अपने हाथों पाँव में यूज़ करते हो, तो आप उसके अंदर भी ग्लूपाटोन को ऐड कर सकते हो। तो मैंने जो फील किया वो ये था कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा ग्लूपाटोन है, हमारी इस क्रीम का कोई अमल दखल नहीं है इसके अंदर, ये जस्ट एक व्हाइटनिंग क्रीम है। तो व्हाइटनिंग क्रीम आप कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब आप नॉर्मल रूटीन में जो भी क्रीम यूज करते हो आप उसी क्रीम के साथ इस ग्लूपाटोन का मिक्सर बना के उसको एज अ व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हो, उससे उसकी व्हाइटनिंग पावर जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो फेस पे आपने इसको यूज नहीं करना, फेस पे आप डायरेक्ट क्रीम लगा सकते हो, ग्लूपाटोन का आपने फेस पे नहीं लगाना। लेकिन अगर आपकी नेक का कलर डार्क है या आपके हाथों और पाओ का कलर डार्क है या खराब हो गया है, देन आप इसको क्रीम में मिक्स करके हाथों पाओ को फेयर करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आप लोगों को नंबर और लिंक मिल जाएगा जहां से आप ऑर्डर करके इस ग्लूपाटोन पाउच को जो है ना वो मंगवा सकते हो। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि एनर्जी बूस्ट होती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।